नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। दुर्गा पूजा का समय हो और पर्व त्यौहार का समय हो और डांडिया ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दुमका जैसे छोटे शहर में यदि इसका आयोजन हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय जा रहा है मीतराज क्रिएटिव डांस एकेडमी और नन्हे कदम को। छोटे जैसे शहरों में छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम महिलाएँ आज ही इस परफॉर्मेंस को करने के लिए बड़ी अंदर से इच्छा रख रही है और कल होने जा रहा है ग्रैंड डांडिया, कह सकते हैं दुमका जिसे छोटे शहर के लिए। और पूरा श्रेय जो जा रहा है, दोनों व्यक्ति हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे उनके माइंड में आया और क्या क्या कर रहे हैं कल के प्रोग्राम के लिए। सर, ये तो पहले पता ही, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम राज हुआ, मैं नन्हे कदम स्कूल से हूँ और ये मेरा छोटा भाई है मृत्युंजय। मृत्युंजय बता। तो सर, ये बताइए कैसे माइंड में आया ये दुमका जैसे छोटे शहर के लिए ये नया है डांडिया? ये तो गुजरात जैसे जगहों के लिए फेमस डांस है, लेकिन इधर तो ये डांस नहीं चलता, कहाँ से ये माइंड में आया आप लोगों के ये सब डांस करवाए जाएंगे? सर देखिए, पहले तो मैं मुंबई में था एज अ एक्टिंग को लेकर और मुझे दुमका आना पड़ा। यहाँ आने के बाद मैंने अपने डांस क्लास को ओपन किया। तो जब मुंबई में था तो वहाँ तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, डांडिया से रिलेटेड होते थे, माँ दुर्गा के जागराता जब होती थी तो तरह तरह के वहाँ पे लोग नृत्य करते थे, डांडिया गरबा हर तरीके को करते थे। फिर यहाँ पे एक दिमाग आया कि क्यों ना दुमका में इसको शुरू किया जाए। तो 2019 में मैंने इसको लेकर शुरुआत की थी, सीजन वन। ये हमारा सीजन टू है। 2019 में हमने सीजन वन किया था जो कि काफ़ी सक्सेस रहा था। उसमें मिस झारखंड अनुष्का आनंद हमारी चीफ गेस्ट थी और वो कार्यक्रम इतना सक्सेस रहा कि फिर कोरोना आ गया, लेकिन 2 साल हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन इस साल उससे भी बड़े हम लोग धूमधाम से कर रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग इस बार कार्यक्रम में जियाकांत गुप्ता, जो कि आपका स्टैंड अप कॉमेडियन है, हम उनको बुला रहे हैं गेस्ट, जो कि इस प्रोग्राम को पूरा होस्ट करेंगे वो। और ये दुमका वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम जो लड़कियां यहां आई हुई है तो कुछ महिलाएं भी है, कितना ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो आप सिखा रहे क्या हुआ वो सीख पा रही? मैं अभी सिलेक्शन कर रहा था कि कौन कौन बच्चे, कौन कौन लड़की लड़कियाँ और जो लेडीज़ लोग हैं वो कौन कौन अच्छा कर सकती हैं जो कि वहाँ पे स्टेज पर परफॉर्म करेगी। मुझे लगा था कि मैं 2-3 को ही सिलेक्ट कर पाऊँगा क्योंकि बाकी लोग पता नहीं अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किसको छाँटूँगा किसको लूँ, क्योंकि इतना अच्छा कर रही है लोग। मैंने मात्र 4 दिन दिया है हमने क्लास और उस 4 दिन में लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि स्टेज फुल तो नहीं हो जाएगा। कल का प्रोग्राम कैसा होने वाला है और कल का क्या ये प्रोग्राम लोगों का जो सपोर्ट है कितना भी मिलेगा? कल का प्रोग्राम जो है वो दुमका में एक आयाम पेश करेगा और मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल जो है मतलब कार्यकर्ता की तरह कोई ऐसा प्रोग्राम कोई कराया होगा। हम लोग उस लेवल का दे रहे हैं, हम लोगों को जितने भी स्पॉन्सर्स भी मिले वो भी एक बार में सब हमको दिल खोल के सहायता किए हैं और सारे स्पॉन्सर्स का हम लोग वहाँ पे पूरा ऐड भी कर रहे हैं। स्क्रीन में एक बड़ा सा स्क्रीन में सभी स्पॉन्सर्स का ऐड भी चलेगा और ये प्रोग्राम जो है वो एकदम एक अभूतपूर्व होने वाला है। इसमें फायरवर्क्स, धुआं, सारा कुछ, टोटल 4 सेल्फी स्टैंड्स रहेंगे जिसमें कि महिलाएं और बच्चे लोग जो है सेल्फी ले सकते हैं। मतलब ये कार्यक्रम बिल्कुल ही अद्भुत रहेगा दुमका के लिए और ये एक अनोखा टाइप का जो कि दुमका बहुत दिन तक याद रखेगा। हो अभी क्यों ना अनोखा, क्योंकि 2 साल का कोरोना काल रहा और लोगों में जो उत्साह था वो कमी आ गए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। तमाम जो महिलाएं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, आइए हम उससे पूछते हैं कि किस तरह का लग रहा है प्रैक्टिस कर रही है और कितना यहाँ के जो सर हैं उनका सर डांडिया की प्रैक्टिस कर रही है। 4 दिन का वर्कशॉप चल रहा था, अब सर ही कन्फ्यूज है कि किसे लें या किसे ना लें। कल का दिन ऐतिहासिक रहेगा दुमका के लिए और हमारे साथ में कुछ महिलाएँ। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम? शिवानी झा। सर, का जो 4 दिन का वर्कशॉप रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, 4 दिन में हम लोग बहुत सीख गए, उम्मीद से ज़्यादा सीख गए। अच्छा, एक्सपेक्ट किया थे कभी कि इस तरह का प्रोग्राम दुमका में हो सकता नहीं, है? नहीं। और जो सर हैं हम लोग को 4 दिन में इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छा कि हम लोग लास्ट दिन में पूरा क्लियर हो गया हम लोग का हर एक स्टेप और हर कुछ। अच्छा, घर से ऑर्डर मिला है डांस करने का? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आए हैं। सास उस डांटती नहीं ना? नहीं। चलिए, सास का भी सपोर्ट मिल रहा और कुछ भी दीदी लोग है उससे पूछते हैं। यहाँ जो आए तो पति उत्ते कुछ बोला कि ना डांडिया करेंगे? नहीं, हम लोग को बोले जाओ करो। क्या करो? हाँ, पूरा। और कल का दिन कैसा रहेगा? कल का दिन तो और बहुत खास रहेगा हम लोग के लिए। खास रहेगा ना? हाँ। सर का सपोर्ट कितना रहा यहाँ जो श्याम सर हैं और जो डांस करा रहे हैं? सर का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा रहे हैं, बहुत ज्यादा, और हम लोग को इतना अच्छा से परफॉर्मेंस करवाए हैं, सिखाए हैं कि अभी तो चुने कि मतलब थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस करवाएं कि अभ्यास कैसे हो रहा है, स्टेज पे भी हम लोग को मौका दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग कैसा सीखे अभी?
हम लोग भी अच्छा सीख रहे हैं और सीखने का अच्छा मौका मिला। हम लोग को लगा नहीं था कि दुमका में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा और इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा मित्राज और आपका जैसे नन्हे कदम वाले हम लोग को ये यहाँ पर तमाम दीदी और कुछ मतलब लोग हैं, सास वगैरह आई है कि नहीं डांडिया देखने? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आई है, सब कल आएंगे। सब आप लोग सास वगैरह को डांडिया प्रैक्टिस करवाइए, हम लोग देखने के लिए आ रही है कल सब की सासे कल आएंगे। आप भी बोलिएगा, बोलिए कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहली बार लाइफ में कर रहे हैं, इससे पहले कभी डांडिया? नहीं, दो साल पहले सर करवाए थे वो उसमें किए थे, लेकिन ये सीखने नहीं आते थे, डायरेक्ट में ही चले गए थे। लेकिन इस बार सोच के रखे, दो साल तो कोविड था, इस साल सोच के रखे कि अगर सर करवाएंगे तो जरूर आएंगे और इस बार आए हैं। एक छोटी बच्ची है लेकिन ये मैम है अभी सभी के लिए, आप मैम बन गए, कितना खुशी लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। डांटते हैं कभी कभी बीच में? नहीं नहीं, आंटी लोग बहुत अच्छा करती है, एकदम सपोर्ट करती है, कि शांति भी रहती है कि हमको स्टे बताना है, स्टे बताने में बहुत इजी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद सास लोग, इनकी सास लोग स्ट्राइक पे चल जाए तो उसको सिखाइए कि नहीं सिखाइए? सिखाएंगे जरूर, क्योंकि डांस से हटके मतलब घर गृहस्थी से हटके भी तो कुछ करना है ना। अच्छा, एक दीदी ये बताइए, कभी आप लोग स्कूल का लाइफ में डांडिया किए कि नहीं? नहीं कभी तो नहीं किए, स्कूल लाइफ में नहीं किए, दुमका में ही कर रहा हूं। स्कूल लाइफ में नहीं? नहीं। डांस का शौक था कि नहीं? हाँ, डांस का बचपन से शौक था, स्टेज शो किए हैं स्कूल में पर डांडिया नहीं किए थे। डांडिया यहाँ पे दुमका में बहुत ही अच्छे तरह से होता है, बहुत ही मतलब मजेदार, बस इसीलिए हम लोग उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं और जोर शोर से करना चाहते हैं। चलिए, बचपन में या डांस का जो हुनर है वो सभी माताओं में, बहनों में, तमाम लोगों में है, लेकिन हुनर दिखाने का वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है दुमका जैसे छोटे शहर में। लेकिन नन्हे कदम ने और क्रिएटिव डांस एकेडमी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है इन तमाम माताओं के लिए, तमाम बहनों के लिए, जो कल 5 बजे इंडोर स्टेडियम में परफॉर्मेंस करने जा रही है डांडिया की। आप लोग कल का जो अपडेट है लाइव इस पूरे डांडिया को देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल से। धन्यवाद।